हेलो साथियों, मैं सिकेश आनंद स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल सिकेश इंग्लिश क्लासेस। आज के क्लास में हम टाइम कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। किसे पढ़ेंगे? टाइम कॉन्सेप्ट को, हाउ टू टेल द टाइम, किसी को इंग्लिश में टाइम कैसे बताएं, ये आज आपको हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। टाइम ड्यूरेशन को समझने के लिए एएम और पीएम समझना होगा। एएम और पीएम में एएम और पीएम का ये एम क्या है? एम फॉर मेरिडियम होता है, ए फॉर एंटी और पी फॉर प्राइम, ये तो जान ही रहे हैं। मिड डे मेरिडियम, मिड डे, मिड डे से पहले वाले समय को एएम और मिड डे के बाद वाले समय को पीएम कहते हैं। इस टाइम के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए तीन बातों का ध्यान रखना काफी जरूरी है। पहला, कि साढ़े होगा तो हाफ पास्ट लिखेंगे। दूसरा, कि सवा होगा तो क्वार्टर पास्ट लिखेंगे। और तीसरा, कि पौने होगा तो क्वार्टर टू लिखेंगे। आप इन तीन चीजों को ध्यान रख लिए तो आपसे टाइम का कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। जैसे अब सवाल रखते हैं, फ्लैग सवाल है कि 2 बजा है। इस सवाल को हम कैसे जवाब देंगे इंग्लिश में? तो इट इज 2 o'clock, क्या देंगे? इट इज 2 o'clock। जैसे 4 बजा है तो इट इज 4 o'clock। जैसे 6 बजा है कैसे बोलेंगे? इट इज 6 o'clock। 9 बजा है तो इट इज 9 o'clock। चलिए अब बात करते हैं दूसरे टाइप की। दूसरा टाइप ये है कि लिखा हुआ है कि 7:15 है, तो 7:15 के लिए हमने क्या बताया? क्वार्टर पास्ट, तो लिख देंगे इट इज 7:15। अब इसी तरह के सवाल लेते हैं, 11:15 है तो क्या हो जाएगा? इट इज 11:15। 3:15 है, इट इज 3:15। 9:15 है, इट इज 9:15। अब साढ़े वाले सवाल को देखते हैं, अगले रूल को, कि जैसे 6:30 है ऐसा लिखा है, कैसे हम बोलेंगे? तो हमने बताया ना 1:30 तो बोल देंगे इट इज 6:30। 3:30 है तो इट इज 3:30। 8:30 है तो इट इज 8:30। 11:30 है तो इट इज 11:30। समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखते हैं अगले कॉन्सेप्ट को। 7:15 है, हमने बताया कि 1:45 तो बोलेंगे इट इज 7:15। 9:00 है तो इट इज 9:15। 10:00 है तो इट इज 9:45। ये टाइम का कॉन्सेप्ट है। कुछ हम आपको वर्क दे रहे हैं, जैसे बताना है कि 4:15 है और 4:15 है, दोनों में फर्क है। चलिए ये तो रही बात इस तरह के क्वेश्चन की। अब सवाल दूसरे टाइप से दे दे, जैसे 9:08 कम है, 9:08 कम है तो कितना मिनट कम है? 8 मिनट, तो इट इज 8:09। इट इज 8:09। जैसे 3:07 कम है तो इट इज 7 मिनट। इट इज 7:03। इट इज 7:03। जैसे 9:02 कम है तो इट इज 2:09। ठीक, 3:08 हुआ है तो इट इज 8:03। इट इज 8:03। जैसे 4:10 हुआ है, जैसे 4:10 हुआ है तो इट इज 4:10। इट इज 4:10। ये सारे कॉन्सेप्ट जो आपको बताए जा रहे हैं ना, आप अपने कॉपी में लिख लें। और सबसे मुख्य बात, यदि इंग्लिश में कोई पूछे कि बताओ टाइम कैसे किसी से पूछते हैं, तो आसानी से बोल देंगे व्हाट इज द टाइम नाउ, या तो रिक्वेस्ट करके आप कह सकते हैं टाइम प्लीज। इस तरह से आप इंग्लिश में समय को पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।